हमारे साथ ड्रेस कोड पर बातचीत करने के लिए महिलाओं का संगठन हम यहाँ पे जमा हुआ है। मैम क्या नाम है आपका? सीमा माथुर। मैम अभी जैसे कि यहाँ पे मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि दे हैव टू फॉलो प्रॉपर ड्रेस कोड, क्या सोचते हैं कि लोगों को ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, अपने भारतीय संस्कृति है उसको फॉलो करना चाहिए जी। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ना जाकर अपनी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आपको लगता है कि अगर इससे यूथ पर कोई प्रभाव पड़ेगा ड्रेस कोड को फॉलो करने से? नहीं, वो बड़े करेंगे तो वो भी धीरे धीरे फॉलो करेंगे, यदि बड़े कुछ कहेंगे नहीं तो वो फिर कुछ कुछ फॉलो करेंगे नहीं। मैम क्या परिचय है आपका? ज्योति माथुर जी। जी मैम क्या सोचते हैं ड्रेस कोड पर आप? हाँ फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में इससे यूथ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? यूथ पे प्रभाव, यूथ को भी सोचना चाहिए कि हम मंदिर आ रहे हैं तो हमको सही तरीके से भारतीय संस्कृति के अनुसार ड्रेसअप होके आना चाहिए। मेरा कहना तो यही है यूथ से, जब अपन मंदिर आ रहे हैं, पवित्र स्थान है और अपन भगवान का ध्यान करने आ रहे हैं, तो अपनी ड्रेस भी है ना भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही होनी चाहिए। व्हाट्स योर नेम मैम? सलोनी। सलोनी मैम आप क्या सोचते हैं इस पूरे चर्चा? जी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको एक ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी तो यूथ है बाहर हर जगह, वो अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, तो एक ये जगह तो एटलीस्ट फॉलो करनी चाहिए। आपको लगता है ये प्रशासन ने अगर सही किया है या गलत किया है? नहीं सही किया है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ये एक धार्मिक जगह है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए। क्या आप प्रोफेशन क्या है मैम आपका? आई एम स्टूडेंट। स्टूडेंट हैं आप, तो आप जैसे कि एक हर जगह पर एक ड्रेस कोड होता है, तो आप स्टूडेंट में भी आप ड्रेस कोड फॉलो करते हैं? या डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है। ओके थैंक यू मैम।